जी मालिक चरण सर सत्संगी प्रेमी जनों, समय बहुत खराब है। खराब समय को हमेशा सुमरण ध्यान भजन सेवा सत्संग में ही निकालना चाहिए, तभी खराब समय से बचा हो सकता है। ये जन जागरण का अभियान जो पूरे हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है, इसके महत्व को, गौरव गरिमा को सभी लोगों को समझना चाहिए कि ये अभियान किस लिए है। आगे आने वाले समय की कैसी तैयारी करनी है, परिवर्तन की कैसी भूमिका बनेगी, उसमें सब प्रेमों को कैसे साधन शरीक होना है, ये उसी की तैयारी हो रही है। जो भी कार्यक्रम राष्ट्रीय मिल जाए, सब लोग तुम्हारे क्षेत्र प्रांत पर ये दया का ही प्रभाव, क्योंकि बिना सत्संग के जानकारी हो नहीं सकते। पहले भी कहा गया था कि मैं सत्संग करते करते ही परिवर्तन कर दूंगा, इसलिए सत्संग सर्वोपरि है। बिना सत्संग के कोई जीवात्मा न जग सकती है, न प्रभु के पास पहुंच सकती है, न अपने किए गए कर्मों का प्रायश्चित कर सकते। कलयुग के जीवों के लिए सत्संग एक अनिवार्य विषय। इसलिए कलयुग में जो भी संत महापुरुष आए, उन्होंने सत्संग को प्रधान रखा। जब सत्संग सुनोगे तो अच्छे बुरे की पहचान, क्या करना क्या नहीं करना उन कर्मों की भी जानकारी, क्या खाना क्या नहीं खाना खान पान की भी जानकारी होगी, कैसे लोगों के बीच में रहना कैसे बीच में नहीं रहना यह संगत की भी जानकारी होगी। इसे संत महापुरुषों ने कलयुग के जीवों को सतपथ के रास्ते पर खड़ा करने के लिए समय से सत्संग जारी किया। जो आपके यहाँ राष्ट्रीय कार्यक्रम भंडारे का हुआ, उसमें काफी जागरण हुआ। इसी तरह अगर अपनी सेवाएं लगाते रहोगे परमार्थ में, तो घर गृहस्थी में भी कोई बाधा नहीं आएगी और परमार्थ बनने में सुविधा हो जाएगी। ये दोनों दृष्टिकोणों को रखकर ये सेवा के बारे में रखा गया। वैसे जब से आप लोगों ने नामदान लिया है, जब नामदान लिया जाता है तो गुरु को अपना तन मन धन अर्पण किया जाता और कहा इसी में से अपनी कमाई का दशांश जो गुरु का है उसे अगर निकालते रहोगे तो तुम्हारे यहाँ कोई बीमारी महामारी कोई लड़ाई झगड़ा देवी प्रकोप दुर्घटना आज कोई भारी नहीं होगी। आज छुटपुट हो सकती है कि सूली का कांटा उतना तो रखा जाता है, क्योंकि ये काल देश की कर्मों की प्रधानता है। संत महापुरुष यद्यपि उसे पूर्णतया समाप्त कर सकते हैं,
लेकिन काल की किसी व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करते। अपनी व्यवस्था बनाकर, सत्संग सुनाकर, सेवा में लगाकर, सुमरन ध्यान भजन करा के उनके पाप कर्मों की अदायगी करा देते। इसमें काल को कोई परेशानी नहीं पड़ती। तो जो आप लोगों को आगामी कार्यक्रम का एक सौभाग्य मिल रहा है विजयादशमी का, उसे आप हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारियां करो, क्योंकि अब ये परिवर्तन है, कगार पर है, समय भी करवट बदल रहा। आपको उसी के अनुसार अपने विचारों में, अपनी सेवाओं में, अपने क्रियाकलापों में परिवर्तन लाना चाहिए, तभी तुम परिवर्तन को समझ सकोगे, देख सकोगे, अनुभव कर सकोगे और परिवर्तन का लाभ उठा सकोगे। इसलिए सब प्रेमियों से कह दो, संगठित भाव में मिलजुल कर प्रेम प्यार मोहब्बत में एकता में आपको ये आध्यात्मिक कार्य संपन्न करना है। और सबको ये जानकारी जगह जगह जहाँ साप्ताहिक सत्संग, मासिक सत्संग होते हो, वहाँ पर इसकी जानकारी जरूर दीजिए। आपको कोई भाषण स्पीच करने की जरूरत नहीं, जितना बता दिया गया है वो मोबाइल पर लोड करवा दिया गया, बस उसी को आप सुना दीजिए, उसमें सब कुछ समाया हो, सबका लाभ उसी में नहीं था। इसलिए सब प्रेमी मिलजुल कर इस कार्य को, गुरुभक्ति को मजबूत करो, क्योंकि गुरुभक्ति दृढ़ कर पीछे और उपाय, बिन गुरुभक्ति मोज कभी न काटा जाए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई, जैन, गुरुभक्ति दृढ़ किए जीव न पावे चैन। मोटे बंधन जगत के गुरुभक्ति से काट, जीने बंधन चित के कटे नाम प्रताप। मोटे जब तक जाए नहीं जीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमाओ। ये गुरु भक्ति कमाने का ये युग है, ये और कोई कमाई करने का नहीं, वो तो एक गौर काम है परिवार, समाज, बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए, लेकिन मुख्य कार्य है गुरु भक्ति। जब गुरु भक्ति करोगे तो उसमें तुम्हारा परिवार और समाज ये सब ठीक रहेगा। इसलिए सब लोग मिलजुल कर आगामी कार्यक्रम की तैयारियां करो। पहले ये जीवन रक्षक होली मिलन महोत्सव और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मुक्ति दिवस, आज तक किसी ने, संत महापुरुष ने या ऋषि मुनि, योगियों, महर्षियों, तारी शक्तियों ने मुक्ति दिवस का नाम किसी ने दिया ही नहीं। यह है समृत मालिक की पहचान, जो मुक्ति देने आया, मुक्ति दिवस निर्धारित किया, बिना मुक्ति दिए कैसे चला जाएगा, यह पक्की पहचान है। और यह कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान के प्रेमियों को है, राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा। आप सब प्रेमी ईश्वर शामिल शरीक होने की अपना प्रयास प्रयत्न बराबर रखिया। जय गुरुदेव, 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 नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब सब लोग अपनी कार्रवाई पुनः जारी करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हेलो। हाँ दीदी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हो गया? हाँ दीदी। दीदी कुछ हो गए? अच्छा दीदी।